दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट को इंक्रीज ईमेल करके करवा सकते हैं। अभी मेरे पास मेल आया कि मुझे कोटक महिंद्रा बैंक का मेल आईडी दे दो, मुझे लिमिट को इंक्रीज करवाना है। चलिए बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो मित्रों, सबसे बड़ी बात होती है आप बैंक को किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। काफी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो वो लोग सोचते हैं कि भाई मैं हिंदी में लिखूंगा तो मेरी बातें कोई समझ नहीं पाएगा। बैंक के पास वो सारे सिस्टम होते हैं, आप इंग्लिश करो, हिंदी करो, जिस लैंग्वेज में करोगे वो उस लैंग्वेज में आपका मैसेज को पढ़ेंगे, बट आपको रिप्लाई इंग्लिश में ही करेंगे। आपको हिंदी आती होगी, आप हिंदी में लिखो अपनी प्रॉब्लम, आपके कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवाना है। समझो मेरी बात को, मतलब कि मेल आईडी मैं आपको दे रहा हूं, मेल आईडी मिल गया। अब जो मेल आईडी आपका बैंक में रजिस्टर है, क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर है, उस मेल आईडी को आपको सिलेक्ट कर लेना है और अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। हेलो, हाय, मतलब कि मेरा नाम ए है, मतलब कि मेरा नाम ए है, उसके आगे आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। कोटक महिंद्रा बैंक टीम, मेरा नाम ए है और मैं क्रेडिट कार्ड काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब तक क्रेडिट कार्ड से जो भी मैंने खर्च किया, टाइम से मैंने पैसा पे किया, एक भी पैसा मैंने मिस नहीं किया और टाइम से बिल पेमेंट करता हूँ, मेरा सिबिल स्कोर काफ़ी बढ़िया है और मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, मेरी लिमिट कम पड़ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतने लिमिट से हैप्पी नहीं हूँ, मेरा सिबिल इतना है, नीचे सिबिल का पीडीएफ अटैच कर दो और मैं कार्ड को यूज कर रहा हूँ, मेरी मदद करो, मेरे कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करो, मैं अपने कार्ड से जब भी कोई सामान परचेस करना चाहता हूँ, लिमिट कम की वजह से मेरा लिमिट इंक्रीज नहीं हो, मेरा वो सामान मिल नहीं पाता है और मैं बहुत दुखी हूँ। आपको इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम हिंदी में ही लिख देना है, बात समझे ना। और जो मैं आपको मेल दे रहा हूँ, इस मेल पे आपको सिविल का पीडीएफ, अपना कार्ड नंबर, अपना नाम, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है और क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है जो आपने टाइम से बिल पेमेंट किया था उसको अटैच कर दो, मेल कर दो। 3 दिन वेट करो, अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन रहेगी, अगर सब कुछ आपका चीजें सही रहेगा, 3 दिवस के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, आपको बताएंगे कि मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इतना टाइमिंग लगेगा, आपके कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर उनको आपकी डिटेल सही नहीं लगी तो आपसे रिवर्ट में ITR या पे स्लिप की डिमांड करेंगे, अगर आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो फिर से उनको मेल करो, सर मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट है, मैं इतना ट्रांजेक्शन करता हूँ, इस तरह का मेरा अकाउंट है, क्या है सेविंग है, करंट क्या है, वो फिल कर देना है और उनको एक फिक्स ट्रांजेक्शन को रीड करवा देना है मार्कल से, फिर से उनको मेरी रिप्लाई में भेज दो। सब कुछ सही अगर आपने भेज दिया तो आपकी लिमिट 100% इंक्रीज होगी और मैं कोटक की बात नहीं कर रहा हूं, जितने बैंक हैं सबको आपको इस तरीके से मेल करना है, आपका लिमिट इंक्रीज होगा, 100% होगा, दिक्कत नहीं होगा। बट अभी आपका कोटक महिंद्रा बैंक लिमिट इंक्रीज शायद ना हो, बट आप ट्राई करके देख लो। ओल्ड कस्टमर के लिए कोई रोक छेक नहीं है, RBI ओनली न्यू कस्टमर के लिए रोक लगाया है, ओल्ड कस्टमर का लिमिट इंक्रीज हो सकता है, वो सारे काम कर सकते हैं, तो आप मेरे इस ट्रिक को जरूर फॉलोअप करें। देखो भाई, अगर आपको अच्छे से लिखना भी नहीं आता है तो आप एक फॉर्मेट किसी से लिखवा सकते हो, समझे ना, फिर भी कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फॉर्मेट मैं आपको लिख के दे दूंगा, इतना मैं आपके लिए कर दूंगा, बट आप मुझे मेल में बताना कि मैंने सबसे मदद मांगा, मुझे मेरा कोई हेल्प नहीं किया, आप मुझे फॉर्मेट लिख कर दें लिमिट इंक्रीज करवाने का, मैं आपको जरूर दूंगा, बट थोड़ा से आगे पीछे टाइमिंग लगे, आपको जरूर दूंगा। तो आप एक काम करके देखो, आपका जरूर हेल्प होगा, बट मैंने बताया ना आपका सिविल और ट्रांजेक्शन अच्छा होगा तो जरूर हो जाएगा। तो एक कहानी है, वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।